नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर करियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 10 मिनट का है। स्टार्ट। एक बात मैं पहले भी सदन में कह चुका हूँ, उसे फिर दोहराता हूँ। सन 1960 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिनिस्टरों के खिलाफ शिकायत आई तो उस वक्त के प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ वेटहोम ने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत आती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमारा फर्ज हो जाता है कि उसकी तहकीकात कराएं। अगर गलत पाई गई तो गवर्नमेंट की उससे शान बढ़ेगी, और मंत्री निर्दोष पाया गया तो भी गवर्नमेंट की उससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि गलत आरोप लगाए गए। किसी विदेश के संवाददाता ने इंदिरा जी से पूछा कि लोग आपके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं है। क्या इससे अधिक असत्य दुनिया में कोई और हो सकता है? हालत यह है, किसी जगह के लिए अगर आपके दो उम्मीदवार हैं, एक कम भ्रष्ट है और दूसरा अधिक, तो बमुकाबले ईमानदार या कम भ्रष्ट के उसको लिया जाएगा जो भ्रष्ट है या अधिक भ्रष्ट है, क्योंकि बहन जी जानती हैं कि वह 3-5 नहीं करेगा। हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं
कराते हैं, फिर आपकी बेईमानी की एक और बात कहता हूँ, आप LN मिश्रा को शहीद बनाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि आप लोग उनके और अपने पापों को छिपाना चाहते हैं। हमारी बहन गलती से भी कभी सही बात नहीं कहती है, रोज ही गलत प्रोपेगंडा करेगी। जिस तरह साम्यवादी देशों में ब्रेन वॉश किया जाता है या दिमाग की सफाई होती है, एक गलत काम करो तो उसको छिपाने के लिए हजार झूठ बोले जाते हैं और हजार बातें की जाती हैं, फिर आपने विरोध पक्ष पर आरोप लगाया है कि हिंसा करने का, तो वह कहाँ है? कहीं पर आज तक ईंटें फेंकी गई हों तो वह बताएं। हिंसा साबित ना कर सके तो अब आप कहते हैं हिंसा के लिए तैयारी हो रही थी, कहीं कोई अन्य प्रकार का हुआ होता तो उस सिलसिले का केस चलाते, सारे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की क्या आवश्यकता थी? हम लोगों को जेल में बंद कर दिया बिना किसी प्रकार तहकीकात किए, आपको प्रेसिडेंट मिल गया दस्तखत करने वाला। मैं केवल इंदिरा जी को ही दोष नहीं देता, ये 336 मेंबर पार्लियामेंट में जो आंख बंद करके हाथ उठाते हैं उनका दोष इंदिरा जी से कम नहीं है। 2 लाख व्यक्तियों का एक MLA प्रतिनिधित्व करता है और 10 लाख का एक MP प्रतिनिधित्व करता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जनतंत्र में पंचायतों का स्थान है, चाहे कोई पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का। पंचायतों की स्थापना की सभी सराहना करते हैं। अब हमें यह देखना है कि पंचायतों का हिरास कब से शुरू हुआ। जब तक पंचायतों का कार्य पंचायत निदेशक के जरिए से होता रहा, तब तक पंचायतों में गतिशीलता रही, लेकिन उसके बाद जब विकास आयुक्त के पद का निर्माण हो गया और पंचायतों का विकास आयुक्त के नीचे कर दिया गया, तो उससे पंचायतों के कार्य में शिथिलता आ गई। होना तो यह चाहिए था कि पंचायत निदेशक के अधीन ही विकास, सहकारिता आदि विभाग कर दिए जाते। आज आप देखें कि जो पंचायतें बनी हुई हैं उनमें पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक 2 आदमी हैं, लेकिन एक का वेतन ज़्यादा है और दूसरे का कम है, क्योंकि एक प्रांतीय स्तर का कार्यकर्ता है, दूसरा जिले स्तर का है, जबकि उनकी योग्यता और कार्य क्षमता आदि में कोई भेद नहीं है। सरकार की ओर से ही गोविंद सहाय कमेटी की स्थापना इनका मूल्यांकन करने के लिए की गई थी। यह निर्विवाद सत्य है
चाहे ग्राम सभा को चौखंबा राज्य का एक यूनिट कहें अथवा जनसंघ की एकात्मक शासन की जो कल्पना है उसका एक यूनिट कहें, यह गांव सभा की जो इकाई है वह सदा सर्वदा रहने वाली है और उस योजना के अंदर यह सबसे महत्व की इकाई है। साथ ही वर्तमान कानून के अंतर्गत गांव सभा का जो प्रधान होगा उसे केवल गांव सभा की संपत्ति के डिस्पोजल का ही अधिकार नहीं होता बल्कि अन्य प्रकार के जो अनुदान होते हैं उनके समायोजन करने का भी उसे अधिकार है। उसे क्षेत्र समिति में खड़े होने के लिए स्वयं चुनने और चुने जाने के लिए जिला परिषद का सदस्य स्वयं चुने जाने के लिए वर्तमान कानून में व्यवस्था है और इस तरह से गांव सभा के प्रधान का पद सबसे महत्वपूर्ण पद हो गया है। और वास्तव में देखा जाए तो गांव सभा का प्रधान आगे चलकर सारी की सारी राजनीति को चलाने वाला होगा क्योंकि भविष्य में यह भी नहीं कहा जा सकता कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इसी तरह से इनडायरेक्ट होगा। गांव सभा प्रधान के पद के संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा कि गांव सभा का प्रधान जितना निष्पक्ष हो उतना उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए।